घर बैठे बैठे 7 दिनों में मिल सकता है ड्राइविंग लाइसेंस। कैसे करना होगा अप्लाई, ये सब जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक देखिए। भारत सरकार अंडर सेक्शन 4 भारतीय लोगों को लर्निंग लाइसेंस रखने की इजाजत देती है। इसे आप 16 साल की उम्र में भी ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 50 CC से कम इंजन क्षमता का कोई भी व्हीकल चलाने की अनुमति मिलती है। इसे विदाउट गियर व्हीकल लाइसेंस भी कहते हैं। इसके लिए आपको 6 महीने के भीतर अपना स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन करना होगा। अगर आप भी लर्निंग लाइसेंस हासिल करना चाहते हैं, तो अब इसके लिए आपको RTO के चक्कर काटने की कोई जरूरत नहीं है। भारत सरकार ने अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने का प्रोसेस डिजिटलाइज्ड कर दिया है। अब लर्निंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। परमानेंट लाइसेंस के लिए आपको RTO ऑफिस विजिट करना ही होगा। यहाँ जानिए ऑनलाइन आवेदन करने का पूरा प्रोसेस। सबसे पहले ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, जो कि आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपने स्टेट का विकल्प चुनना होगा। इसके बाद आपके सामने पूरी लिस्ट आ जाएगी, आपको उसमें से लर्निंग लाइसेंस का विकल्प चुनना होगा। लर्नर लाइसेंस की ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आधार का ऑप्शन आएगा। उसमें आपको आधार की डिटेल्स भरनी होंगी और कुछ जरूरी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगा। सभी चीजें दर्ज करने के बाद आपको पेमेंट का विकल्प चुनना होगा। पेमेंट फेल होने पर आपको ₹50 फीस दोबारा भरनी होगी। इस प्रोसेस से अप्लाई करने के करीब 7 दिन बाद आपके पास लर्निंग लाइसेंस आपके घर पर आ जाएगा। लेकिन अगर आप परमानेंट लाइसेंस बनवाना चाहते हैं, तो आपको RTO ऑफिस जाना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें ABP Live।